तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि 23 जनवरी 2022 रविवार को संभावित थी, वह अब ऑफिशियली और ऑथेंटिक इसका नोटिस आ चुका है कि दोस्तों यह एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, पोस्टपोन होकर किस डेट को यह एग्ज़ाम होना है इसकी सूचना अभी तक नहीं मिली है, इसकी सूचना बाद में बताई जाएगी, बट यह एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कई वीडियोज़ मैंने देखे, कई ग्रुप्स में मैंने बातें पढ़ी हैं, कई बच्चे तो यह समझने लगे कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया है, इसका नई तारीख को एग्ज़ाम रखा जाएगा, जो तारीख आपको बाद में बता दी जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। अब इसका रीज़न तो देखिए कुछ भी हो सकता है, मैंने खुद कई ग्रुप्स में देखे, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे इंटर और मैट्रिक वालों का एग्ज़ाम्स होने हैं, तो मे बी शायद एग्ज़ाम सेंटर को शेड्यूल करने में थोड़ा परेशानियां झेलनी पड़ सकती होंगी उन लोगों को, या कोई भी रीज़न हो सकता है, ये तो मैं अपना एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, रीज़न कोई भी हो सकता है, बट उन सब चीज़ों में ना पढ़ के आप अपना तैयारी करें तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, इन चीज़ों में अपना टाइम को वेस्ट ना करें। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, ये चीज़ को ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे रहिए, साथ में अगर कोई और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करें तो उसको भी आप करते रहिए। ठीक है, बाकी अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, ये छोटी सी अपडेट थी जो आपको बताना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।